अगले से अगर बोलिएगा कि बात को खत्म करो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, हम बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। कि मैम हमको IPS विकास वैभव सर भी सम्मानित किए हैं, तो बोल रहे तुम प्रधानमंत्री हो कि तुम्हें सम्मानित किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे ही मौजूद हूँ और पटना जंक्शन पे आए दिन ऐसे कुछ घटनाएं सामने आती है जो लोगों को चौंका देती है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है और आज एक ऐसी बात हमारे सामने आई जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। दरअसल यहाँ पर रिया नाम की एक लड़की, यह वही रिया है जो DM के सामने भी अपनी समस्याओं को रखने में नहीं हटी और बाद में उस DM ने जो उसके साथ रवैया किया था उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ा था और फिर IPS विकास वैभव उस लड़की को सम्मानित किए थे। लेकिन जब वह पटना जंक्शन पे आई, हालांकि लोगों को यह तो नहीं पता था कि यह कौन लड़की है, लेकिन वह एक लड़की है जो अपने परिवार को छोड़ने यहाँ पर पहुँची। उसके पास टिकट नहीं था, स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था, उस दौरान TT ने उसे पकड़ा। और जब यह बातें यहाँ जो मैं आपको दिखाती हूँ, यह जो सीढ़ी है यहीं पर इसी जगह पे उस लड़की को पकड़ा गया था, रिया को पकड़ा गया था और महिला TT उसे घेर लिए। दोनों तरफ से बातें हुई, बातें जो भी हो रही थी सामने, रिया का कहना है कि भाई मैं टिकट नहीं अगर ली हुई हूँ तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि कहाँ टिकट कटा है, लेकिन मैं जा रही हूँ टिकट लाने, अगर जो फाइन है आप ले सकती है। लेकिन महिला टिटी को यह गवारा न गुजरा और बातों बातों में उन्होंने अपना हाथ भी छोड़ दिया रिया पे, यानी कि रिया का कहना है कि मुझे पीटा भी गया, गाली गलौज भी किया गया और उस समय काफ़ी भीड़ हो गई। जब हम लोग आए तो उस समय रिया जिस तरह हालत में थी, दरअसल हम आपको दिखाना चाहेंगे रिया किस तरह से बोल रही थी, क्या कुछ उसके साथ हुआ। हालांकि प्रशासन के लोग भी वहां पे मौजूद थे, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वह महिला TT वहां पे मौजूद थी, कुछ प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद थे और रिया को वहां पे पीटा गया था। हालांकि हम लोग यहां पर जैसे ही पहुंचे, फिर उसके बाद मामला तुल पकड़ लिया, यानी कि जो प्रशासन उस समय तक कुछ भी नहीं कर रही थी, जैसे ही हम लोग पहुँचे, कैमरा देखे लोग और ये माइक देखे, देखते ही वो प्रशासन भी एक्शन में आ गई और फिर FIR दर्ज करवाने के लिए रिया को लेकर जाया गया, थाना लेकर जाया गया, जो रेलवे जो थाना होता है अंदर में वहाँ पर लेकर जाया गया और एक आवेदन लिया गया कि हम जांच करेंगे, CCTV कैमरे भी देखे गए। चले सुनते हैं पूरी कहानी रिया से, आखिर क्या कुछ कहती है रिया। पर बोल रहे थे कि मैम हमको IPS विकास वैभव सर भी सम्मानित किए हैं, तो बोल रहे तुम प्रधानमंत्री हो कि तुम्हें सम्मानित किए हैं। तमाशा करूंगी, हम बोले हम नहीं जाएंगे, आप हमको अंदर लेकर अगर बोलिएगा कि बात को खत्म करो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, हम बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। चलो TT के पास चलो। तो आपने सुना रिया किस तरह से यहाँ पे अड़ गई। हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, टल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ वो TT आखिर कहाँ गई, क्योंकि आवेदन लेने के बाद भी कोई भी प्रशासन उस TT से बातें करने के लिए नहीं आई, यानी कि जानकारी लेने के लिए नहीं आई, जांच के लिए नहीं आई कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर जाँच होना चाहिए था लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। रिया का कहना है कि ऐसी कई लड़कियों के साथ इस तरह से होता है, क्या कोई भी TT किसी भी पैसेंजर को मारना यह उचित है, क्या यह पीटना उचित है? अगर आपके पास टिकट नहीं है तो जो भी उसका फाइन है वो आप फाइन कसिए, या यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं उनसे कुछ भी जो बातें हैं वो ये कीजिए, लेकिन मारना उचित नहीं है। चलिए आगे की तहकीकात होगी, हम लोग भी देखते हैं कितना यहाँ के प्रशासन तहकीकात करती है, जांच में क्या कुछ निकलता है। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।